भारत के बहुत ही कर्मठ हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह, मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी का इस संकल्प पत्र विमोचन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमें बहुत खुशी है कि जिनकी प्रेरणा से इस पूरे भारत में हम लोग काम करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इनके संकल्पों को महाराष्ट्र में यथार्थ में लाने का काम इस संकल्प पत्र के माध्यम से हो रहा है और भारत में हम सभी को जो ऊर्जा देते हैं, लड़ने की ताकत देते हैं और सामने खड़े रहकर हमारे साथ जो हमेशा युद्ध में आगे होते हैं, ऐसे आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के हाथों से ये संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है। ये संकल्प पत्र म्हणजे विकसित भारता करता विकसित महाराष्ट्र तयार करण्याचा रोडमॅप आहे। मी आपल्याला आठवण करून देतो, 2014 साली आम्ही एक संकल्प पत्र जारी केलं होतं आणि 2019 निवडणुकीला सामोरं जाताना त्या संकल्प पत्रातल्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी आम्ही पूर्ण केल्या या संदर्भात एक रिपोर्ट कार्ड देखील दिलं होतं। त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी करता किंवा महायुती करता संकल्प पत्र म्हणजे केवळ कागदाचं डॉक्युमेंट नाहीये, तर त्या दिशेने पूर्ण ताकदीने काम करण्याकरता एक अतिशय पवित्र अशा प्रकारचं हे डॉक्युमेंट आहे। आणि मला याची कल्पना आहे, आज 12 एक स्थगिती पत्र देखील जारी होणार आहे। या महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना केवळ चालणाऱ्या प्रोजेक्ट्सला स्थगिती देण्यामध्ये रस आहे अशा लोकांचं एक पत्र 12 या ठिकाणी येणार आहे। पण मी एकच गोष्ट सांगू इच्छितो, महाराष्ट्रातल्या जनतेचा विश्वास हा निश्चितपणे महायुतीवर आहे, भारतीय जनता पक्षावर आहे।